क्लासेस में और आज हम पढ़ने जा रहे हैं BSc द्वितीय वर्ष की जो द्वितीय वर्ष का जो प्रश्न पत्र है हिंदी शिक्षण एवं प्रवीणता और उसकी जो इकाई है 6 और इकाई 62 की संरचना के विभिन्न पहलू और उसका जो प्रकरण हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण कह सकते हैं और सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं की दृष्टि से आपके पाठ्यक्रम की दृष्टि से और आप जब शिक्षक पढ़ने जाओगे तो सबसे पहले शुरुआत हम वर्णों से करते हैं। वास्तव में सबसे छोटी का एक वर्ण होती है और वर्ण से बनते हैं शब्द। इसलिए शब्दों की उत्पत्ति और प्रकार पर हमें उनकी धारणता और हमें गहन अध्ययन करना होगा और बहुत ही धीरे के साथ में हमें एक ही उदाहरण को हमें पढ़ना होगा। यदि उदाहरणों को कहते हैं कि जिसे हम व्याकरण पढ़ाते हैं तो व्याकरण में आगमन और निगमन पद्धति का योग जब हम करते हैं आगमन और निगमन का तो आगमन पद्धति में क्या होता है कि पहले हम उदाहरणों को बताते हैं और उदाहरणों के माध्यम से हम नियम को समझा देते हैं। लेकिन निगमन पद्धति में क्या होगा, पहले नियम बनाए जाएंगे उसके बाद नियम के आधार पर उन नियमों को किस तरीके से क्रियान्वित उन उदाहरणों पर किया जाए, ये निगमन पद्धति है। तो साथियों हमें व्याकरण के नियम लगभग बहुत सी दुनिया में से लगती है जो नियम को मतलब घट लेते हैं, लेकिन ये हर किसी के संभव उल्लास जाहिर बात नहीं है। लेकिन हमें उदाहरणों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करते हुए चले, उदाहरणों के माध्यम से हमें आने वाली समस्याओं का भी हमें मतलब पता चल जाएगा और साथ ही साथ हमारा शब्द भंडार भी विकसित होगा। इसलिए उदाहरणों को कभी भी मतलब उदाहरणों को समाधान करने में कभी उनसे बचे नहीं। तो साथियों आइए हम बढ़ते हैं हमारे प्रकरण के अनुसार। हमारा जो प्रकरण है शब्द विचार में कल जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो पहला प्रकरण आया था तत्सम और दूसरा था तद्भव। तद्भव ये दो भेद हमारे सामने आए थे। साथियों तत्सम वो शब्द है जो हमारी हिंदी की मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में नियम के प्रयोग प्रयुक्त किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता जो कि नियम प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन तद्भव शब्द वे शब्द कहलाएंगे जिनके संस्कृत के शब्द हिंदी की जो मूल भाषा संस्कृत है उनके शब्दों को हम अपने बोलचाल की लोक जीवन की जो भाषा शैली है उसके अनुसार हम स्वयं गढ़ लेंगे, उनको गढ़ लेंगे पूरा मतलब मंडन कर लेंगे बना लेंगे ताकि हमें बोलचाल में भाषा के संरक्षण क्षमता में सुविधा उत्पन्न हो सके। इसलिए हम क्या करेंगे उनका रूप परिवर्तन कर देंगे और रूप परिवर्तन करना ही वहाँ पर शब्दों का रूप परिवर्तित होना ही तद्भव कहलाएगा। और जैसे संस्कृत शब्दों का हमने रूप परिवर्तन कर लिया अपनी सुविधा के अनुसार वो सभी शब्द कहलाएं तद्भव कहलाएं। तो आज साथियों हम उनके उदाहरणों पर चर्चा करेंगे, उससे न केवल आपका ठंडा प्रश्न होगा जब आपके शिक्षण में जाएंगे तो उस समस्या पर आपका बहुत सारा एक समाधान हो चुका होगा। तो आइए साथियों हम पढ़ते हैं सबसे पहले हमारे विषय की ओर। इसे आपके सामने तत्सम शब्द है हो जाएगा आकाश। और
इसी तरह से होगा अधम में। हमारे साथ बताया है अधम में, अधम में का मतलब जहां पर गमन करना संभव ना हो सके तो उसको जाएगा अधम। हमने अधम का मतलब यहां पर सतम में होगा कि ऐसी ऐसा स्थान या ऐसी जगह है जहां पर साधारण अगमन करना संभव ना हो सके। तो इसी तरह आश्चर्य होगा जैसे आश्चर्य आश्चर्य इसका होगा अगम अचरज। जैसे किसी काम को करने से हमारे मन में आश्चर्य होगा तो ये इस व्यक्ति का ने इतना बड़ा काम कर लिया तो उसको देखकर एक किस्मे का बहुत बुरा स्वाभाविक है और बहुत जगह का आश्चर्य का और आश्चर्य को हम देंगे अचरज। इसी तरह ठीक है संस्कृत है अंधकार उसको आपने बोल करके सबसे बना दिया हमने अंधेरा। उसी तरह से हमारे सामने सताता है अमावस्या, हमारे सामने सबको बताता है अमावस्या। ये मूल भाषा का शब्द है और यहां हो जाएगा अमावस। तो हमने इस सुन की गणना के लिए सुन की संप्रेषण क्षमता के लिए इसको अमावस कर दिया। इसी तरह अक्षर अक्षर का मतलब यहां पर समझ है अक्षर
स्ट्रक्चर नहीं हो, कहने का तात्पर्य है जो फीड नहीं हो, जो समाप्त नहीं हो, जो नष्ट नहीं हो, वो अक्सर चलाएगा। लेकिन उसका जो प्रतिभा हमने अपनी गोचर की दृष्टि से अक्सर करने का दिया आप कर बार बार अभ्यास करें और आपके लिए मित्र मंत्र साबित होंगे।